हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं छोटे आलूओं से मसालेदार सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं मीडियम साइज के आलू। इन आलूओं को पहले हम अच्छे से पानी से धोकर और कुकर में डालकर सिर्फ एक प्रेशर लेकर उबाल लेंगे, क्योंकि हमें आलूओं को बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, थोड़ा कम गलाना है। और जब आलू उबल जाएंगे तब हम छिलकों को आलूओं से अलग कर लेंगे। अब एक बड़ी प्याज लेंगे और उसको स्लाइस में कट कर लेंगे। साथ ही हमने लिए हैं 2 लाल टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। 10 से 12 लिए हैं 2 पीस काजू। इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम भिगोने रख देंगे। अब सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल, जो भी आप खाते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और ब्राउन होने तक इसको हम भून लेंगे। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब बचे हुए तेल में हम जो उबले हुए आलू थे उसको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब जो हमारे पास भुनी हुई प्याज थी उसमें डाल देंगे 1 चम्मच खरबूजे के बीज, और जो काजू हमने भिगो कर रखे थे उसको भी डाल देंगे और पेस्ट बना लेंगे। आप देखोगे कि आलूओं में एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 2 चम्मच के करीब तेल और डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 6-7 काली मिर्च और 4 लौंगें। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसको ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद अब लिड लगाकर मसाले को अच्छे से पकने देंगे और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। अब बोल में डालेंगे 1 कटोरी दही, थोड़ी सी डालेंगे घर की निकली हुई मलाई, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चुटकी हींग। टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे पास तले हुए आलू थे उसमें थोड़ा सा फोक कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला अंदर तक चला जाए और ये अच्छे से पक भी जाए। अब इन आलूओं को मैरिनेट करेंगे। अच्छे से आलू पर मसाले को कोट कर लेंगे। और ढककर अलग रख देंगे। अब मसाले को चेक करके देखते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है हमारा। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किए हुए आलू। सारे मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। और लिड लगाकर इसको बॉईल होने देंगे। लिड हटाकर चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर के साथ आलू हमारे पकने लगे हैं और मसाला भी भुन रहा है साथ ही साथ। अब प्याज वाला पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। जार को धोकर उसका पानी भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी रिच हो जाती है। अब सब्जी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/2 कप, और एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। अब लिड लगाकर एक बार इसको फिर 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। एक बार फिर से चेक करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। किनारों पर घी आ चुका है और आलू भी पक चुके हैं, मसाला भी बिल्कुल तैयार है। तो फटाफट इसको गर्म रोटी या पराठे के साथ आप खाएँ या चावल के साथ इंजॉय करें।
और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।